जय सियाराम सभी को। आज हम सुनेंगे नीम करौली बाबा की जीवन परिचय का शेष भाग। जब इंजन स्टार्ट करने पर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, फुल स्टीम देने के बाद भी इंजन के पहिए अपने स्थान पर ही घूमते रहे, इंजन की मशीनरी चेक हुई, सभी कुछ सही, तब यूरोपियन गार्ड बेचैन होकर ड्राइवर के पास गया और बोला, क्या बात है? परंतु ड्राइवर कोई खराबी बता ना सका, कुछ पता ना चला। बहुत प्रयास करने के बाद भी गाड़ी टस से मस नहीं हुई। उधर उस पटरी पर अन्य गाड़ियों के आने जाने का भी समय हो चला था। तब कुछ भारतीय यात्रियों ने उन विदेशी अधिकारियों को राय दी कि साधु महाराज को गाड़ी में चढ़ा लो, तभी गाड़ी चलेगी। इस पर वे बहुत झल्लाए। अंत में जब गाड़ी ने टस से मस होने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा कि एक बार साधु महाराज को गाड़ी में चढ़ाकर देख लो। विदेशी अधिकारियों ने बाबा के पास आकर क्षमा मांगी और रेलगाड़ी पर सवार होने की प्रार्थना की। जब परम पूज्य बाबा ने कहा कि तुम कहते हो तो चलो बैठ जाता हूँ, और तब बाबा जी के गाड़ी में सवार होते ही गाड़ी चल पड़ी। और इस एक घटना के कारण भारत के अनेक गांवों में शामिल ग्राम नीप करौरी एकाएक विख्यात हो चला, तथा इस गांव के कई वर्ष के प्रवास के उपरांत जब बाबा लक्ष्मण दास गांव से निकले, तो उनका नाम ही नीम करौली बाबा अथवा नीम करौली बाबा पड़ गया। इस घटना के बाद गांव से गुजरती हर गाड़ी एक दो मिनट के लिए रुकने लगी, और वहां के प्रवासी बिना टिकट भी फर्रुखाबाद आने जाने लगे। कालांतर में नीप करौली नाम का स्टेशन भी बन गया, तथा अब तो ठीक गांव के बीच बाबा लक्ष्मण दासपुरी फ्लैग स्टेशन भी बन गया है। यह है बाबा की चमत्कारी लीलाओं में से एक लीला। उत्तराखंड में महाराज जी को बाबा नीप करौली की जगह नीम करौली वाले बाबा या बाबा नीम करौली कहा जाता रहा है, परंतु अपनी प्रसिद्धि से सदा उदासीन बाबा जी ने अपने नाम के इस अपभ्रंश का सुधार करवाने की कभी चेष्टा ना की। बाद में अधिकतर लोग नीम करौली बाबा कहने लगे थे, तथा बाबा जी अथवा महाराज जी कहकर संबोधित करने लगे। ऐसे सर समर्थ बाबा नीम करौली महाराज की लीलाओं पर प्रकाश डालने की चेष्टा कुछ भक्तों द्वारा पूर्व में भी हो चुकी है, और आज इसी प्रयास में हम भी रत हैं। परंतु महाराज जी की लीलाओं का, महाराज जी के व्यक्तित्व का, उनके मूल तत्व का, उनके पावन चरित्र का वर्णन शाब्दिक चित्रों द्वारा संभव नहीं है। ये शाब्दिक निरूपण बाबा जी महाराज को केवल अंश मात्र में ही प्रकट कर पाते हैं, तथा अपने में अपूर्ण भी हैं, अधूरे भी। आशा करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप सभी पर बाबा नीम करौली की कृपा बनी रहे। जय सियाराम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।